गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राव नर्सरी फार्म और मैं राव काशिप, और आपके लिए डेली कोई ना कोई से नई वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं ताकि आपको वीडियो अच्छी लगे। और कुछ पौधे ऐसे दिखाते हैं डिफरेंट किस्म के क्या आपको पसंद आए और आप अपने घर की सजावट के लिए उनको ख़रीद सकें। और जो भाई भी मेरे चैनल पे न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर जिस भाई को किसी भी किस्म के पौधे या पनीरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, क्योंकि आज की वीडियो हमारी है पनीरियों के बारे में कि जो सर्दियों की पनीरियाँ आती हैं जो सर्दियों में तैयार होती है और बहुत ही खूबसूरत किस्म के उनमें फूल लगते हैं। तो आज आपको पनीरियों को विज़िट करवाएंगे। इधर 8-10 डिफरेंट किस्म की पनीरियाँ हैं जो सर्दियों में तैयार होती हैं और सर्दियों में फूल लगते हैं उनमें, और वो उनके फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और जो भाई ऑनलाइन पौधे मंगवाना चाहता है वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। व्हाट्सएप पर रब्ता करने के बाद उसको बआसानी ऑनलाइन ऑर्डर मिलेगा। और इधर देखो ये गेंडे की पनीरी आ गई सर्दी में। ये गेंडा पहले तैयार है, ये डिफरेंट कलर में गेंडा पहले तैयार है। यहाँ पे बोनसाइयाँ भी लगी हुई हैं लेकिन डिफरेंट कलर में गेंडा पहले तैयार है। और उसके बाद ये गेंडे की पनीरी आ गई, ये देखो छोटे गमले में ये पनीरी है गेंडे की F1 गेंडा। और इसके बाद ये आर की बैरी की पनीरी भी बहुत ही कमाल, और इसमें अच्छे फूल होते हैं। और इसके बाद इधर आ गया है ये पुटीनिया भी एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा पौधा है पनीरी है, जो ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा जैसे फूल देती है। फूल देने के बाद जैसे ये देखो आपको फूल नज़र आ रहा है, ऐसे स्टेप में इसमें फूल लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। इसका ग्रोथ देखिए फूल का, और माशाल्लाह कितना खूबसूरत फूल है। ये पुटोनिया की पनीरी है। और इधर आ गई आगे गुल अशरफी की पनीरी भी बहुत अच्छी, और जैसे ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की होती है और पौधों से डिफरेंट किस्म की होती है। पनीरियों की वीडियो थी आज ली तो आपके लिए पनीरी। और इधर ये पनीरी है किशमिश की पनीरी भी आ गई सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तैयार होते हैं ये जो भी आपको मैंने दिखाया। तो ये सर्दियों में तैयार होने वाले पनीरियाँ हैं, समझ लो पौधे सर्दियों के बाद। ये मौसमी पौधे हैं, सब हैं मौसमी पौधे, क्योंकि मौसमी पौधों का मतलब ये होता है कि ऐसे किस्म के उनमें फूल लगते हैं सर्दियों में, डिफरेंट किस्म के फूल हैं। अब इधर देख लो इसमें दूसरे कलर का फूल लगा हुआ है, ये रेड कलर का फूल है, ये पिंक कलर का फूल है इसमें, और वो रेड और वाइट दोनों मिक्स है। तो डिफरेंट किस्म के ऐसे होते हैं। इधर आ गया डेलिया, ये डेलिया की पनीरी यहाँ पर मौजूद है, ये देखो ये डेलिया की पनीरी। क्योंकि पनीरियों के सीज़न है, सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दी में पनीरियाँ बहुत ज़्यादा और चलती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये डेलिया है, और ये F1 मटेरी है, F1 मटेरी की पनीरी। इधर ये पौधे चंद एक नज़र आ रहे हैं आपको, ये इधर का F1 पनीरिया है, ये डेलिया है, और ये इधर मटेरी है, और ये गोभी की पनीरी है। गोभी की पनीरी भी आ गई है क्योंकि सीज़न आ रहा है गोभी का, और ये गोभी की पनीरी है। और इसके आगे ये मैरीगोल्ड की पनीरी है, मैरीगोल्ड सर्दियों में क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। और सर्दियों की पनीरियाँ जो कि अब तैयार हो चुकी हैं। इधर गेंदा लगा हुआ है, गेंदे में डिफरेंट किस्म के फूल हैं, उनके पीछे बोनसाइयाँ लगाई हुई हैं, जैसे आजकल बोनसाइयों का ज़्यादा काम चल रहा है। आपको ये ग्रेट फ्रूट लगा हुआ है, बहुत पका हुआ है खाने वाला है। तो इधर ये नर्सरी फार्म पे रखा था मैं, तो आपको काली पौधा रखा। और इधर फिर ये गेंडे की पनीरी लगाई हुई, ये छोटी अभी क्योंकि ये तैयार होने में कुछ टाइम लगेगा इसमें। तो और ये बहुत ही किस्म की आप पनीर, डिफरेंट किस्म के फ्रूट, गेंडा डिफरेंट किस्म का, डिफरेंट किस्म की पनीरियाँ, और सर्दियों में तैयार होने वाली पनीरियाँ सब भी ऐसी हैं। और मुझे इनके फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखो जी ये पनीर सर्दियों के हैं, कितना खूबसूरत इसका फूल है, ये जार इसका फूल देखो। अभी इसमें और भी यहाँ पे भी फूल लगेगा, यहाँ पे भी फूल लगेगा, यहाँ
जितनी भी जगह इसने अपनी जगह बनाई हुई है उस जगह पर फूल लगेंगे इसमें। और ये एक उन्होंने फ्रंट वो बनाई हुई है नर्सरी की, क्योंकि यहाँ से रास्ता गुजरने का अंदर का है। और ये बोनसाई तैयार की हुई है और इधर ये फिर वो सामने फ्रंट पे जैसे पनीरियाँ तैयार कर रहे हैं। पनीरियाँ तैयार करने के बाद आपको चलो अंदर लेके चलते हैं, अंदर आपको कुछ दिखाते हैं कि इसने किस किस्म के पौधे तैयार किए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डबल लार्ज एस्टोनिया यहाँ भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये कुछ पाम पड़े हुए हैं, और ये देखो बहुत ही खूबसूरत पौधे यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये देखो इधर ये शेड के अंदर पौधे पड़े हुए हैं, शेड के अंदर बहुत ही खूबसूरत है, आपको ये सब नज़र आ रहे होंगे। ये गमले इन्होंने रखे हुए हैं, ये इधर लीमू पड़ा हुआ है गांचे में सामने नज़र आ रहा है, इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। और इधर ये बहुत से डिफरेंट किस्म के बहुत ही खूबसूरत पौधे यहाँ पे मौजूद हैं। मनी प्लांट्स देखें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत और हाइट में बहुत अच्छा है, और बहुत ही डिफरेंट किस्म के यहाँ पे पौधे, क्योंकि हमारे पास हर तरह के पौधे अवेलेबल होते हैं। क्योंकि पत्तों की नर्सरी फार्म में राव नर्सरी फार्म आप देख लें चैनल में, आपको हर चीज़ का पौधा अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पत्तों की में ना मिले आपको, ठीक है। पत्तों की में हर पौधा अवेलेबल है यहाँ पे। देखो ये छोटा सा पौधा पड़ा है एलोवेरा का, लेकिन बहुत से बड़े पौधे भी हैं, ये तो आपको मैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। और इधर फिर ये माल्टा पड़ा है, ये जैसे ज़मीन से पटाई की है इसकी, अभी सेट हो रहा है यहाँ पर माल्टा। अब इधर देखो जी इसमें ग्रेट फ्रूट लगा हुआ है इस पौधे में, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये 18 इंची गमले में पौधा है इसका, ये 18 इंची गमले में पौधा है। बाकी फल तोड़ लेते हैं यहाँ पे और भी आप खुद खा लेते हैं, ये खाने वाला मज़े का है, ये जूस बहुत कमाल का बनता है इसका। और ये इधर ग्रेट फ्रूट लगा हुआ है, और यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के पौधे देखो, इनके कलर बहुत है, क्योंकि पौधों के कलर बहुत अच्छे और बहुत ही डिफरेंट किस्म के होते हैं। और क्योंकि घर की सजावट के लिए हैं ही पौधे, पौधों से ही घर की सजावट होती है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नर्सरी है यहाँ पे, बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे और पनीरियाँ हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बात के लिए मैं माजरत कहूँगा, 5-6 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे कज़न की शादी थी और शादी की वजह से, मसरूफियात की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने में टाइम लगता है काफ़ी, तो इंशाल्लाह आगे से डेली बाई डेली एक या दो वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। तो उसके अलावा जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।